और इसी बीच अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। जैसे हार सताएगी उत्तर प्रदेश में उनके नेताओं की संख्या, उनके मुख्यमंत्रियों की संख्या और दिल्ली से आने वालों की संख्या बढ़ जाएगी और इसमें भी कहीं हम लोगों को कोई शक नहीं था कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी या उनके नेता आएंगे उनके सहयोग के लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। अभी तक तो ये संस्थाएं उनके लिए थीं जो सरकार में हैं, उनकी सरकार कैसे हटाएं उसके लिए इन संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार न बन जाए इसके लिए इन संस्थाओं का भी इस्तेमाल होगा। पूरा देश जानता है कि जहां जहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है इन संस्थाओं को आगे करती है। जहां तक ईडी, सीबीआई या अपने कागजों को दिखाने का काम, हमें बहुत पुराना अनुभव है और इसलिए अनुभव है कि भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के रास्ते पर जा रही है। भारतीय जनता पार्टी वही तरीके अपना रही है जिसमें केंद्रीय जो एजेंसीज हैं उनसे कैसे डराया धमकाया जाए, लेकिन जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में है, योगी सरकार बचेगी नहीं। जनता ने मन बनाया है कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और इनसे ज्यादा अनुपयोगी कोई हो नहीं सकता था जिसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया हो। ये अनुपयोगी हैं, अनुपयोगी हैं, इन्होंने इतना नुकसान किया उत्तर प्रदेश की जिसकी आपकी कल्पना नहीं की जा सकती है। गृह राज्य मंत्री टेनी, कौन नहीं जानता हो उन पे आरोप क्या है। गृह राज्य मंत्री टेनी, उन पे क्या आरोप है? क्या दिल्ली की सरकार नहीं जानती? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं जानती? और जब उत्तर प्रदेश की सरकार की जांच में उनके नाम आ गए और कहीं ना कहीं उनके ऊपर उंगली उठी है तो आखिरकार सरकार क्यों बचा रही है उसको? क्या कारण है कि सरकार उन्हें बचाने का काम कर रही है? जो हमारे अन्नदाता हैं, जो अपने हक और सम्मान के लिए गए थे, अपने हक की लड़ाई को लड़ने गए थे, पीछे से थार जीप ने उन्हें कुचल दिया, किसानों की जान चली गई, पत्रकार की जान चली गई, दोषी कौन है? जांच में यह बात साफ है कि देश के गृह राज्य मंत्री, उन पर उंगली उठी है, उनके बेटे पे उंगली उठी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे उंगली उठी है, लेकिन आखिरकार सरकार क्यों नहीं सजा दे रही है? क्यों ध्यान हटाना चाहती है? मंच पर जो हंगामा हुआ, निषाद समाज के साथ जो धोखा हुआ, केवल निषाद समाज नहीं बल्कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और बड़ी संख्या में हमारे अगड़े लोग, ब्राह्मण समाज के साथ जो हुआ कौन नहीं जानता? और मंच पर किस खुशी के साथ बुलाया गया था निषाद समाज के लोगों को, उन्हें वादा किया गया था कि आपकी सब मांगे पूरी हो जाएंगी, आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि निषाद समाज ने अपनी मांग को नहीं छोड़ा, उन्हें अगर मंच पर भी चढ़ना पड़ा होगा तो मंच पर चढ़ गए और सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम किया। दिन रात लगे रहे उसमें कि यह खबर न चल जाए, बड़े बड़े अधिकारी लखनऊ से यह कोशिश करते रहे, दिल्ली तक दबाव बनाया कि यह खबरें न चल जाएं कि किस तरीके के निषाद समाज वहां पर अपने हक के लिए और अपने सम्मान के लिए लड़ रहा है। यह अनुपयोगी सरकार
और कर भी क्या सकती थी, अनुपयोगी सरकार से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। याद कीजिए जिस समय सरकार बनी बनी थी इनकी, इन्होंने गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास धुलवाया था, गंगा जल को पूरे मुख्यमंत्री आवास में छिड़कवाया था। कभी किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया होगा जैसे ये अनुपयोगी मुख्यमंत्री ने करके दिखाया। पूरे के पूरे मुख्यमंत्री आवास में गंगा जल से छिड़काने का काम हुआ था। और जब मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके घरों में वो रह नहीं सकते हैं, उस समय मुझे याद है कि नेताजी इन्हीं अनुपयोगी मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। जब मेरी जानकारी में ये बात आई तो मैंने उस समय भी रोका था नेताजी को कि आप मत जाइए इस मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, लेकिन नेताजी को क्योंकि पॉलिटिकल शिष्टाचार में उन्हें लगा कि शायद ये घर हमारे जो लीडर ऑपोजिशन हैं उनके नाम पर आवंटित हो जाएगा, तो हम जब तक अपने घर नहीं बना पाए या रहने का इंतजाम नहीं कर पाएंगे तब तक रह पाएंगे। लेकिन मुझे याद है जैसे ही नेताजी मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकले हैं, उन्होंने दस्तखत कर करके और तुरंत नोटिस देकर के तुरंत घर खाली कराए जाए। ये अनुपयोगी सरकार और कैसे कोई भूल सकता है कि सरकार बनते ही एक कुदाल मंत्री को निकाल दिया था इन्होंने। वो जहां जाते थे कुदाल लेकर के जाते थे, जेपी नाइसी में कुदाल लेकर के गए, जो पुराना हेरिटेज एरिया डेवलप हुआ था वहां कुदाल लेकर के गए, कुदाल चलाते थे, खुद जांच करने जाते थे। और उन्होंने कहा कि ये बताइए इतना ऊंचा हेलीपैड क्यों बन गया। जब उन्होंने जेपी नाइसी की ऊंची बिल्डिंग पर देखा कि यहां पर हेलीपैड बन गया है, हेलीपैड बना हुआ है, तो उन्होंने कहा ये डिजाइन रॉन्ग है, ये किसकी सूझबूझ है कि इसमें बन गया है हेलीपैड। और याद कीजिए जब उन्होंने कुदाल चलाई थी हेरिटेज एरिया पर, तो कुदाल पत्थर नहीं तोड़ पाई थी, जांच के बाद जांच, जांच के बाद जांच, उसके बाद जो ठेकेदार थे उन्हें अपने दल में ले लिया। और जांच तो जांच चली रही है लेकिन अभी भी वो जेपी नाइसी अभी पूरी नहीं हुई है। इसी तरह एक्सप्रेसवे का कोई किलोमीटर नहीं बचा जिसको खोदा ना गया हो, कोई किलोमीटर नहीं बचा जहां पर खोद करके ना देखा गया हो। इस अनुपयोगी सरकार ने सभी तहसीलों के कागज निकलवा करके देखे, सब तहसीलें चेक करने की रजिस्ट्रियां हुई हैं कि किसके नाम पे हुई हैं, क्या मिला अनुपयोगी सरकार को। और यही रिवर फ्रंट, एक रंगी लोग, क्या जाने जीवन में रंग का क्या महत्व है। ये नदी का किनारा, गोमती फ्रंट जिसमें रोशनी होती थी शाम को, ठेले लगते थे, कारोबार होता था, लोग आइसक्रीम खाने जाते थे, घूमते थे, लेकिन क्या की जांच कर दी। और जांच पे क्या नहीं किया, ईडी सीबीआई और जो कुछ हो सकता है सरकार पिछले 4.5 साल से कर रही है। गोमती साफ नहीं हो पाई, 900 मीटर केवल अगर बन जाता, 900 मीटर अगर नालों को न जाने दिया जाता तो आज लखनऊ शहर में गोमती साफ बह रही होती। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के अनुपयोगी मुख्यमंत्री जी, उन्होंने डुबकी नहीं ली क्योंकि वो जानते हैं जो नदी हिंडन है वो गंदी है, जो नदी गोमती है वो गंदी है, यमुना नदी गंदी है, और जितनी भी सहायक नदियां जो जुड़ रही गंगा में, उन गंगा की नदियों में किसी की सफाई नहीं की गई। गंगा मां गंगा के नाम पर जितना पैसा आया इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लूटने का काम किया। कौन भूल जाएगा गोरखपुर की वो दुकानें टूटना, मुख्यमंत्री ने, अनुपयोगी मुख्यमंत्री ने अपनी दुकानों पर बुलडोजर चलाया, कागजों में कब सरकारी रोड इनकी दुकान बन गई और उसका मुआवजा उठा लिया, नई सड़क बना ली, नया कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और मुआवजा कितना उठाया सरकार ने, कम से कम सरकार को बताना चाहिए
कि अनुपयोगी मुख्यमंत्री ने अपनी दुकानें तोड़ करके जो कभी सरकारी जमीन पर बनी थी उस जमीन को कागजों पर इधर उधर कर करके कितना मुआवजा मुख्यमंत्री अनुपयोगी ने उठाया है। और यही नहीं, जो यूनिवर्सिटी बनी है वो कभी तालाब था, वेटलैंड थी। आखिरकार किस कानून के अंदर लोगों पर दबाव बना करके वो पूरी वेटलैंड की जमीन, पूरी तालाब की जमीन को अपनी यूनिवर्सिटी में कब्जा कर लिया। इसलिए मुख्यमंत्री अनुपयोगी याद रखें, सरकार जाने वाली है और ये जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ये तब अपनाए जा रहे हैं कि जब उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि सरकार जा रही है उनकी। ये वापस नहीं लौट रहे हैं, ये सोचते हैं कि समाजवादी विजय तक रुक जाएगा। आपने छापा मार करके ये बता दिया है कि आने वाले समय में समाजवादी लोग ही आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता आपको हटाने जा रही है। हम लोग तो केवल एक माध्यम है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश से अनुपयोगी सरकार हटाई जाएगी। और अनुपयोगी सरकार की एक घटना नहीं है, एक किस्सा नहीं है, एक जगह का नहीं है, लखीमपुर जैसी घटना कोई सोच नहीं सकता था, इन्हीं अनुपयोगी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुई है। हाथरस की बेटी का अपमान और पेट्रोल डाल करके जलवा देना, यह अनुपयोगी सरकार का काम है। 69,000 शिक्षक भर्ती के नौजवान दर दर भटक रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं। अगर उनका आरक्षण कोई छीन रहा है तो यही अनुपयोगी सरकार है। कोई परीक्षा बिना लीक हुए नहीं परीक्षा हो पाई, पेपर रद्द हुए हैं, जो नौजवानों को नौकरी न दे पाए, रोजगार न दे पाए, वो अनुपयोगी सरकार है जो टीटी बीएड और बीपीएड के नौजवानों को बेरोजगार रख रही हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।